हेलो एवरीबॉडी, भी कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं ये जा रहे हैं वाहन ग्रेटर नोएडा के लिए और ये आ रहे हैं अक्षरधाम से होते हुए। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गाइस, और ये जा रहा है आपका, देखिए। और ये वाहन देखिए, ये वाहन आज ये राइट वाले आ रहे हैं अक्षरधाम की तरफ से, और लेफ्ट वाले हैं ये जा रहे हैं अक्षरधाम और ये तुम्हारे सेक्टर 18 के लिए। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गाइस, कितनी सुंदर आ रही है। ये अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं वाहन और ये सेक्टर 18 की तरफ से आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्डिंग यहाँ की देख सकते हैं नोएडा की, और ये जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं ये है नोएडा सेक्टर 16A गाइस। तो देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है, और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं अंबेडकर पार्क, जो कि मायावती ने बनवाया था बहुत ही सुंदर। और इसकी जो नींव ये बन के जो तैयार हो गया था, ये सन 2011 में बनाया गया था गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं नोएडा की, ये उतर रहे हैं और ये है साइड में राइट हैंड पे पार्क। तो आपको लेके चलेंगे, तो बने रहिए आप केपी संत के साथ में। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, आते रहते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से देख सकते हैं। ये हमने टिकट ले लिया और ये है 15 रुपये का टिकट। तो चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं। देखिए ये रोड चल रही है, यहाँ पर ये खाने पीने वाले हैं, और इसके सामने आ जाता है ये टिकट घर है, और ये गेट है इसका। तो यहाँ से हम ये बड़ा गेट बंद कर रखे, तो हम चलेंगे इस छोटे से गेट से गाइस। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं गाइस, और अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। जो आप लोगों ने देखा है वो तो नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं इसके पिसंत के चैनल पर। यहाँ पर ये गार्ड खड़े बैठे हुए हैं, जो कि ये पर्चियाँ चेक करते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड में ये हाथी लगे हुए हैं, और स्मारक टाइप का बना रखा है इन्होंने। और आपको हम अंदर लेके चलेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पत्थर भी बहुत सुंदर सुंदर लगाए हुए हैं गाइस, बहुत सुंदर पत्थर हैं यहाँ के, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, पर मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाता था, तो फाइनली मैं कल पहुंचा और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो आपको ये पार्क अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हैं ये हाथी दोनों साइड में लगे हुए हैं, पहले तो इसमें बहुत सारे फ़ोटो लगे। इसके अंदर भी चलेंगे हम, दिखाएंगे आप लोगों के अंदर कैसा बना हुआ है, क्या क्या है इसके अंदर, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, दूसरी है लेफ्ट हैंड पे काशीराम जी की, तीसरी मूर्ति है लेफ्ट हैंड पे मायावती जी की गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, यहाँ पर पब्लिक ये आई हुई है, पब्लिक घूम रही है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है, लेकिन सही सलामत आ जाते हैं घूमने के लिए, क्यों 15 रुपये का टिकट है तो कोई ज़्यादा का नहीं है। लेकिन अंदर से बहुत सुंदर ये बनाया हुआ है गाइस, बहुत सुंदर बना रखा है अंदर से, आपको बता दूं बहुत ही सुंदर। और देखने पे ऐसा मन करता है कि भाई साहब यहीं पर रहो, देखते रहो उसे बैठ के। देखिए ये हाथी की तस्वीर है, किस तरीके से ये बनी हुई है और किस तरीके से ये बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले इसमें बहुत कुछ इसमें लगे हुए थे, हर किसी की फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन वो अखिलेश सरकार ने सब इसमें से तोड़वा दिए, हटवा दिए गाइस। अखिलेश सरकार के राज्य में ये हटाए गए थे, कि मोदी के सरकार में, मोदी सरकार के राज्य में नहीं हटाए गए हैं ऐसा कुछ, लेकिन अखिलेश सरकार में हटाए गए थे, कि वो ज़्यादा चिढ़ता है कुछ, ठीक है ना, वो ज़्यादा चिढ़ता है, इसलिए उसकी सरकार भी चली गई है गाइस, और मुझे नहीं लगता अब आएगी लौट के। तो देख सकते हैं ये बना रखे हैं दोनों साइड में, और ये भी बहुत सुंदर देखने में लगता है गाइस। देखिए जिधर आप नज़र उठा के देखें, हाथी शंख ऐसे, इसमें पहले तो बहुत जानवरों की वो लगी हुई थी मूर्तियाँ गाइस, लेकिन सब अखिलेश सरकार के राज्य में हटा दी गई हैं, सब तोड़वा दी गई हैं। तो आपको दिखाएंगे हम तस्वीरों के माध्यम से, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में।
और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी थंत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको दिखाते हैं, ठीक है गाइस। देखो हाथी यहाँ से देखो कैसे चमकते हैं, ये हाथी है नाइन बाई नाइन, ठीक है, जैसा चमकता है ये है। देखते हैं क्या क्या सीन है ऊपर का, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है यहाँ का, कैसा है ये बना हुआ, फिर आपको पता चलेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके ऊपर गाइस, और कुछ ऐसा बना हुआ है, तो दोनों साइड में ही ये सीढ़ियाँ थी बनाई हुई हैं उधर भी, और देखिए संगमरमर का पत्थर लगाया हुआ है इन्होंने, देखो काफ़ी अद्भुत सुंदर। इसमें चलते हैं हम, दिखाते हैं यहाँ जूता चप्पल उतारने का है, ये देखो ये है सीन यहाँ का, ये बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तीनों लोगों का। तो यहाँ जूते उतार देते हैं हम और फिर चलते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कि अब मैं निकल चुका हूँ बाहर, और देखिए कुछ इस टाइप का ये बना हुआ है, दोनों साइड हम आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए आप लोग कितना लंबा चौड़ा है, इधर भी ऐसा ही बना हुआ है और इधर भी ऐसा ही बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नोएडा की इमारतें कितनी ऊंची ऊंची हैं गाइस। देखिए ये है कुछ सीन ऐसा, देखो अब देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। कुछ ऐसे ही तस्वीर हैं और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो के पी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। देखिए आप लोग देखो ये है दूसरी साइड का, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो का।